प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिट इंडिया का जो आह्वान करा है, स्वास्थ्य बेहतर रहे, और मुझे लगता है कि कोविड के दौरान ये सबक हमने सबने बहुत शानदार सीखा कि जीवन के अंदर हम जिस चीज़ों के पीछे भागते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं होती, और जो सबसे ज़रूरी है जिसे हम ग्रांटेड ले लेते हैं, जैसे हमारा स्वास्थ्य हुआ या परिवार हुआ, उसे हम ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो है ही ना, परिवार तो है ही, स्वास्थ्य तो है ही, बट ऐसा नहीं होता, समय देना पड़ता। बात कही आपने, ये बात कही, बहुत खूबसूरत बात, आमने सामने, और आपकी बातें तमाम नौजवानों के लिए प्रेरणा है, क्योंकि वो आपके दुनिया ने देखा आपको एक आइकन की तरह से देखते हैं। वैसे तो ये जो स्वामी जी, दवा, डॉक्टर, हॉस्पिटल, करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े सत्ता साम्राज्य सब ढह गए, वही बच पाते हैं जो फिट रह पाते हैं। इसलिए ये जो फिटनेस के लिए, ये तो थोड़े सूक्ष्म सूक्ष्म अभ्यास बता रहे थे, अब थोड़े से चलो आगे भी शुरू कर देते हैं, जो हो सके वो आगे झुकने की कोशिश करें, पीछे जाएं, ऐसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएं। और एक तो ये अभ्यास है, तो ये अपने गांव में पहले चक्की पीसते थे ना, ये आगे पीछे, ये जो सिक्स पैक एब्स बनाना चाहते हैं, ये कह रहे सिक्स पैक एब बनाना चाहते हैं ना, उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। अच्छा, तो सिक्स पैक बनाना है तो 5 मिनट चक्की चला ले, एकदम सिक्स पैक पक्के बन गए। आपके लिए पूरी कोशिश की थी। सिक्स पैक में भी एक सीक्रेट पैक है जो स्वामी रामदेव ने बना रखा है, ऐसे वाला आपका तो स्वामी जी। जबरदस्त। तो ये भी बनाना है। तो देखो उल्टे लेट जाते हैं। जो ये देखो, ये तो सब आसानी से कर लेते हैं ना, कितना आसान है। तो थोड़ा योगाभ्यास, थोड़ी फिजिकल फिटनेस के लिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई सीमा नहीं इसकी, जैसे जिसकी रुचि वृत्ति प्रवृत्ति है, कोई भी फिजिकल वर्कआउट कर ले, और उसमें सबसे सात्विक फिजिकल वर्कआउट है योगाभ्यास, जिसमें दंड बैठक भी है, जिसमें सूर्य नमस्कार भी है, जिसमें जॉगिंग भी है, जिसमें आसन प्राणायाम भी है, ध्यान भी है। अभी हम आज जो है स्ट्रोंग वाला आज प्राणायाम करवाने वाले, 1 मिनट में 5,000 से 10,000 किलो कैलोरी बर्न कर लेते हैं भुजंगासन। अभी तो हमने डिप्स वाला किया था, अब ये फिजिकल वर्कआउट ऐसा है जिसको सब कर सकते हैं, न कमर में दर्द होगा। हमारे तो लक्ष्य ही है लाइफस्टाइल डिजीज, चाहे वो कोलेस्ट्रोल है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, ओबिसिटी है, गैस है, एसिडिटी है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। अच्छा, लोग कमर में दर्द की बहुत शिकायत करते हैं, तो ये वाला जो आसन जो अभी स्वामी जी करवा रहे हैं, इससे कमर में दर्द खत्म हो जाता है? हर रोज करना पड़ेगा लेकिन आप सबको? हाँ, इस ये खुद भी करते हैं, और इतनी जो है व्यस्तताओं के बीच में कभी भी। जी 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 स्वामी जी। तो ये भुजंगासन कमर दर्द के लिए तो रामबाण है, ये भुजंगासन। अभी हम फिर इसके बाद सर्वासन, धनुरासन, वरकटासन भी करेंगे, 4-5 आसन ही कर ले, उष्ट्रासन कर ले, ऐसे रोज करें। और इसी हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है, हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। अब हार्ट के लिए कोलेस्ट्रोल 150 के आसपास रहना चाहिए, ट्रायग्लिसराइड भी। लेकिन स्वामी जी, नई मुश्किल ये है कि बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो भी हार्ट को कमजोर कर रहा है। हाँ, तो हर एक की सीमा है, जैसे हमने कहा HDL, जिसको हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये भी HDL भी 60 से 65 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी किसी का एक्सेप्शन के तौर पर ये लाखों में किसी एक का होता है, ये भी बढ़ जाता है तो वो भी अच्छा नहीं है। ये जो है दोनों हाथ अब जंघाओं के नीचे। लेकिन इसके साथ एक बात और भी बता देना चाहता हूँ हुसैन भाई जी, कि यदि किसी का कोलेस्ट्रॉल 250 भी है
और एसिडियल 60 है तो उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। तो योग से चाहे अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल हो चाहे बड़ा वाला कोलेस्ट्रॉल, जैसे हमने पहले बताया, मैंने एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, योग से ओवरवेट उनको लाइपोलाइसिस होता है, अंडरवेट उनको लाइपोजेनेसिस होता है। तो न तो ओवरवेट रहेंगे ना अंडरवेट, बैलेंस रखता है। समत्वम योग उच्यते, समता में रहेंगे, एक एक पैर से उठाए, दोनों से उठाए। और स्वामी राठौर साहब भी बैलेंस के बारे में बखूबी जानते हैं। मुझे याद आ रहा उनका चैलेंज साल 2018 में, जब उन्होंने ऑफिस के फ्लोर पे ही जो है पुशअप्स लगाए थे। तो राठौर साहब, आज कोई फिट इंडिया के लिए चैलेंज आप देना चाहेंगे? मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि क्या आप अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए 10 से 15 मिनट निकाल सकते हैं क्या योग करने के लिए, या कोई भी वर्जिश करने के लिए? ये चैलेंज ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत अच्छा चैलेंज है। अगर आप 10 से 15 मिनट खुद के लिए निकाल लें और कहीं पे भी कर लें, आप ऑफिस में भी कर सकते हैं जैसे आप बतला रहे थे, और घर पे भी कर सकते हैं, सुबह शाम रात कभी भी कर सकते हैं, लेकिन करना ज़रूरी है। आप देखिए कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी का उदाहरण देखिए, दिन भर रात भर काम करते रहते हैं, कहीं ना कहीं से वो ऊर्जा आती है। और स्वामी जी आपको बताएंगे कि वो योग बहुत करते हैं। अभी क्या करना है स्वामी जी? अब सीधे नीचे टांग तो सबकी होती है, थोड़े ऊपर भी टांग करनी है। तो आजकल आप रोजाना कितने पुशअप्स लगा लेते हैं एक बार में? भाई हर परीक्षा में पास हो रहे हैं राज्यवर्धन जी आज। कमाल है, बहुत ही जबरदस्त सर्वांगासन किया है। अरे कितने पुशअप लगा लेते हैं राज्यवर्धन जी? स्वामी जी से दो कम। आप सोच रहे हो मैं 500 लगाता हूँ, तो ये 200-250 तो लगाते ही। तो ये सर्वांगासन, और देखो जितना हो पाए ये तो। अरे आसन भी कर ले ना, मैं तो जान थोड़ा किया नहीं था। मेरे ख्याल जो राज्यवर्धन भी पास हो गए, क्या बात है ना हुसैन, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है शरीर में, खाली वर्कआउट करने से काम नहीं चलेगा। तो वो जो कहते हैं वो करते हैं, और फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ, कंसंट्रेशन, उसको वो भी, उसको भी हमें बरकरार रखना है, और वो भी इन्होंने रखा। इसलिए तीरंदाजी में ऐसा तीर चलाया कि ओलंपिक में मेडल दिलाया। तो पवन मुक्तासन ये तो बिल्कुल इजी है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, दोनों पैरों को ऊपर उठा दिया, ऐसे होल्ड करके रखा स्वामी जी। तो ये योग से एक तरफ हमारे भीतर चैलेंज हो जाना चाहिए, दूसरा विनय आती। बहुत सारे लोग हमें लिख रहे हैं कि राठौर साहब और आप दोनों साथ में पुशअप लगाइए। अब बताओ दूसरा राउंड शुरू करवाना चाहते हो आज हमारा? स्वास्थ्य में भारत पूरा आत्मनिर्भर है। और बाकी चीजों में भी बनता जा रहा है आत्मनिर्भर। तो उत्तान पादासन भी हमारे पास, नौकासन, जो नौकासन करेंगे जीवन में या पार हो जाएगी। अब आप बड़ी आसानी से इंडिया टीवी देख सकते हैं, और इसके लिए आपको इंडिया टीवी ऐप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाएं, इंडिया टीवी ऐप सर्च करें और इसे डाउनलोड करें। इंडिया टीवी, हर जगह हर वक्त।